In our last class, we have discussed about the conjugate of complex number, modulus of complex number, and also we have discussed about the operation of complex number. Today, we are going to discuss about the properties of conjugate of complex number. So, first, our the topic is the conjugate of complex number. Conjugate of complex number. We discussed about this topic. Suppose that z equals to a plus iota b is a complex number, then the conjugate of complex number is represented by z bar, and z bar, we get the z bar from z equals to, this is a minus iota b, and the basic concept is we replaced this iota by minus iota. So in the conjugate of complex number, we replace the iota by the minus iota, or then we get the conjugate of complex number. तो बेसिस जो हमने डिस्कस किया कि हमने कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टीज की हेल्प लेते हैं. तो फर्स्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, देन द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज तो फर्स्ट वी डिस्कस द ऑल द प्रॉपर्टीज. तो वी लिस्ट आउट द ऑल द प्रॉपर्टीज एंड देन आफ्टर वी डिस्कस वन बाई वन. तो फर्स्ट वी लिस्ट आउट द ऑल द प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज जेड, द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अगेन कंजुगेट इज अगेन वी गेट जेड. सेकेंड द प्रॉपर्टी, इफ वी एड द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन वी गेट द टू रियल पार्ट ऑफ द जेड. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ यू सब्ट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर कंजुगेट देन वी गेट द ट्वाइस ऑफ आयोटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज सपोज दैट जेड इक्वल्स टू जेड बार, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट इक्वल है, दिस केस ओनली अप्लाई व्हेन द जेड इज प्योरली रियल. जब प्योरली रियल होगा तभी ये केस अप्लाई होगा. द केस फिफ्थ इक्वल्स टू जेड प्लस जेड बार इक्वल्स टू जीरो, ये केस तभी अप्लाई होगा हमारे पास जब जेड इज इमेजिनरी, एंड इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी, आपके पास प्योर इमेजिनरी अगर नंबर होगा उसी केस में एज ये पॉसिबल है आपके पास. एंड द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कंजुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर. तो ये हमारे पास जो सिक्स प्रॉपर्टी है. सेवन जो प्रॉपर्टी है आपके पास, सेवन प्रॉपर्टी है, इफ़ वी एड द टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन कंसिडर द कंजुगेट इक्वल्स टू, अगर हम सेपरेट अगर उनका कंजुगेट करते हैं देन ऐड करते हैं तो वो इसके इक्वल होगा. एंड द एट प्रॉपर्टी इफ द सेम, अगर हम माइनस करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम माइनस करते हैं तो उसका कंजुगेट इक्वल होगा अगर हम सेपरेट उनके कंजुगेट को अगर हम माइनस करें. नाइन प्रॉपर्टी है, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो कंजुगेट है वो इक्वल होगा हमारे पास सेपरेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके कंजुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. और सेम द टेंथ प्रॉपर्टी इज अगर हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका कंजुगेट अगर फाइंड करें, तो अगर सेपरेट अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट से अगर डिवाइड करें तो वो उस केस में भी आपका आंसर सेम होगा. तो यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. जो टॉपिक हमारा था वो था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बेसिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 10 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम प्रूफ देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है. एक एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा और आपको एज ए होमवर्क में एक एक एग्जांपल एक्स्ट्रा आपको डिस्कस करना है, और वो एग्जांपल आप खुद से फॉर्म कर सकते हैं, खुद से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करना आप, और उसके एग्जाम्पल इनके साथ जो भी हमारे पास इनके प्रूफ आपको सेट करना है. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं 10 प्रॉपर्टीज़ ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन. तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे. The first property is the conjugate of a complex number and again a conjugate of the given complex number
देन वी गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर हम उसका टू टाइम अगर कंजुगेट फाइंड करते हैं तो अगेन वी गेट द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज दैट जेड इक्वल्स टू 3+4 आयोटा है आपके पास. अगर आपने इसका कंजुगेट किया तो जेड बार ये बन जाएगा 3-4 आयोटा. अगेन आपने इसका कंजुगेट किया तो आप देख सकते हैं कि आपको आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है तो ये बन जाएगा 3+4 आयोटा. और 3+4 आयोटा जो है वो आपके पास ओरिजिनल नंबर है. तो कंजुगेट का अगेन कंजुगेट जो है वो आपको ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर देता है. तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है. आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी है आपके पास टॉपिक था हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ वी एड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर कंजुगेट देन वी गेट द टू रियल पार्ट ऑफ जेड. तो यहां पे इसको भी हम एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं. सपोज दैट कि हमारे पास जेड इक्वल्स टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज 3+4 आयोटा. और इस केस में अगर हम इसका कंजुगेट फाइंड करते हैं लेट्स बिकम जेड बार और ये है हमारे पास 3-4 आयोटा. अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो जेड प्लस जेड बार जो है तो 3+4 आयोटा प्लस 3-4 आयोटा और ये आपका कट हो जाएगा 3-3. तो ट्वाइस ऑफ 3 है आपके पास ट्वाइस. और 3 क्या है आपका, 3 जो है आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है. वो आपके पास रियल पार्ट ऑफ जेड है. तो देख सकते हैं कि आप ये यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है. इफ़ वी ऐड ए कंजुगेट एंड देयर ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर कंजुगेट अगर हम ऐड करते हैं तो वी गेट द आंसर इज टू रियल पार्ट ऑफ जेड. जेड प्लस जेड बार जो हमें रिजल्ट देगा दिस इज टू रियल पार्ट ऑफ जेड. एंड सेम अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम सबट्रैक्ट करें जेड माइनस जेड बार को अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास टू आयोटा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा आपके पास. तो सेम यही एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें जेड इक्वल्स टू 3+4 आयोटा, जेड बार जो है आपका 3-4 आयोटा और दोनों नंबर को अगर हम माइनस करते हैं जेड माइनस जेड बार तो ये बन जाएगा 3+4 आयोटा माइनस 3-4 आयोटा. तो ये बन जाएगा 3+4 आयोटा माइनस 3+4 आयोटा. तो ये आप देखिए 3 से 3 आपके यहाँ पे कट हो रहे हैं तो ये बन जाएगा ट्वाइस और ये बन जाएगा 8 आयोटा. तो ट्वाइस आयोटा और 8 जो है दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. तो ये आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से अगर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो होगा आपके पास 2 आयोटा और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड हमारे पास उसका रिजल्ट होगा. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी इज फोर्थ प्रॉपर्टी है जेड इक्वल्स टू जेड बार इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन द जेड इज प्योरली रियल नंबर. अगर ये प्योरली रियल नंबर होगा उसी केस में हमारे पास जेड इक्वल्स टू जेड बार पॉसिबल होगा. आप देख सकते हैं कैसे कंसिडर करते हैं. सपोज दैट हमने कोई एग्जाम्पल कंसिडर किया जेड इक्वल्स टू प्योर एन 3 ये हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है. सपोज 3+0 ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसका कंजुगेट अगर हम फाइंड करें जेड बार तो बन जाएगा 3-0 और उस केस में आप देख सकते हैं कि जेड एंड जेड बार जेड इक्वल्स टू जेड बार है आपके पास 3+3 है और इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन द जेड इज प्योरली रियल नंबर. तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्योर रियल नंबर है उसी केस में हमारे पास द कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका जो कंजुगेट है वो दोनों आपके पास सेम होंगे. एंड द सेकेंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द प्रॉपर्टी नंबर 5. तो प्रॉपर्टी 5 जो है आपके पास इफ द सम ऑफ जेड प्लस जेड बार इक्वल्स टू 0 व्हेन इट्स पॉसिबल व्हेन जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर. प्योरली इमेजिनरी नंबर अगर होगा उसी केस में ये पॉसिबल है. तो जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर और वो देखिए हम कैसे देखेंगे. सपोज दैट जेड इक्वल्स टू है आपके पास 2 आयोटा देन जेड बार इक्वल्स टू -2 आयोटा और इस केस में अगर हम दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 2 आयोटा प्लस -2 आयोटा एंड इट्स बिकम 0. तो इट्स डायरेक्टली पॉसिबल व्हेन द जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर. अगर हम हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कंजुगेट को अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 अगर आता है आपके पास इट्स मीन्स
दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। और अगर प्योरली इमेजिनरी अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उस नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का जो एडिशन होगा वो एज ए रिजल्ट हमारे पास जीरो देगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी सिक्स। द प्रॉपर्टी सिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं। प्रॉपर्टी सिक्स को थोड़ा सा हम यहाँ पे मॉडिफाई भी करेंगे। प्रॉपर्टी सिक्स जो है, हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिस्कस किया था। सपोज दैट जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू है आपके पास रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड मॉडुलस ऑफ जेड जो है वो आपके पास है, इफ वी स्क्वायर द मॉडुलस ऑफ जेड देन वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये एक सिंपल टॉपिक हमने ऑलरेडी अपने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, और उसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो दिस प्रॉपर्टी नंबर सिक्स इज जेड जेड बार इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। और रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो जेड जेड बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इफ वी मल्टीप्लाई ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद देयर कंजुगेट देन वी गेट एज द आंसर इज मॉडुलस ऑफ जेड होल स्क्वायर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो अगर आप बेसिक अगर हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ए कॉम्प्लेक्स नंबर देयर कंजुगेट एंड देयर मॉडुलस, तो आप देखेंगे वो रिजल्ट आपके पास जेड जेड बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर है। और जिस तरीके से प्रॉपर्टी है आप देख सकते हैं, अगर सपोज दैट अगर मेरे को जेड फाइंड करना है तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर जो है आपके पास उसको अगर मैं जेड बार से अगर डिवाइड करता हूँ देन सिंपली अगर आप वो रिजल्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा भी अगर हम कोई रिजल्ट देखते हैं तो मॉडुलस ऑफ जेड से जेड बार अगर मेरे को निकालना है तो उसमें भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड करता हूँ तो सिंपली ये एक अलग मेथड पे अपन आ जाते हैं। तो वो अगर हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, अभी हम बस डिस्कस करने वाले हैं कि जेड जेड बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर है। हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, जेड इक्वल्स टू है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, जेड बार जो होगा दिस इज 3 माइनस 4 आयोटा। ये हमारा स्टैंडर्ड एग्जांपल है। और मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा हमारे पास दिस इज रूट के अंदर आप देखेंगे 3 यानी 9 प्लस 16, ये रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर है। मॉडुलस ऑफ जेड जो है आपके पास 1625 यानी 5 है। और अगर मैं इसका स्क्वायर कंसीडर करता हूँ मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, तो आप देखेंगे वो है आपके पास 25। तो सिंपल अगर हम देखें कि हमें ये प्रूव करना है जेड जेड बार, तो हम जेड जेड बार दोनों का प्रोडक्ट अगर करते हैं, जेड है आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा, जेड बार है 3 माइनस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वी अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 12 आयोटा, 12 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास, देखो ये पार्ट आपका कट हो गया, 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो जो रिजल्ट है हमारे पास जेड जेड बार, तो वो रिजल्ट देखिए आपके पास क्या आता है, वो बन जाएगा 9 प्लस 16 और ये बन जाएगा आपका 25। तो जेड जेड बार तो 25 देखिए आपके पास क्या है यहाँ पे, वो है मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर है आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एज ए रिजल्ट जो होगा वो होगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड का जो होल स्क्वायर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। द प्रॉपर्टी नंबर 7 इज इफ वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन वी गेट देयर कंजुगेट इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ टू नंबर सेपरेटली एंड ऐड देम। आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको ऐड करने के बाद जो उनका कंजुगेट हम निकालते हैं, या फिर सेपरेट अगर हम उनका कंजुगेट फाइंड करके अगर ऐड करते हैं, तो दोनों केस में जो आपका रिजल्ट होगा वो हमारे पास सेम होगा। और इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो एग्जांपल करें तो जेड वन जो है आपके पास जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, जेड टू जो है आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा, जेड वन बार यानी कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 3 आयोटा, जेड टू बार 3 माइनस 4 आयोटा। LHS फाइंड करेंगे, LHS क्या है आपके पास, इफ़ वी ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन प्लस जेड टू
तो दिस इट्स बिकम 2 + 3 iota + 3 + 4 iota 5 + 7 iota Z1 + Z2 है आपके पास 5 + 7 iota Now we find the conjugate of this complex number. So it's become 5 - 7 iota तो ये आपके पास इसका LHS पार्ट है. सेम अगर हम इसका RHS पार्ट अगर फाइंड करते हैं तो वो आप देखेंगे वो है आपका सेपरेट Z1 बार Z2 बार. और Z1 बार जो है हमारे पास Z1 बार है आपका 2 - 3 iota प्लस Z2 बार है आपके पास 3 - 4 iota We add the real part. This is 5 - 7 iota 5 - 7 iota and 5 - 7 iota तो एक important property, एक important formula हमने यहाँ पे discuss किया है. और वो formula हमारे पास क्या है कि अगर दो complex number को add करने के बाद अगर उसका conjugate find करते हैं तो वो equal होगा अगर हम दोनों का separate conjugate find करें और उनको हम add करें. तो ये again एक important formula आपने अपनी formula notebook में यानी अपने mind में set किया है. This is formula number 7. Now we are discussing the formula number 8. और formula 8 है आपके पास suppose that अगर दो complex number Z1 अगर मैं उनका minus करता हूँ और उन दोनों के separate अगर conjugate करने के बाद अगर हम minus करें तो वो उनकी equal होगा. Again देखिए मैं example same consider कर रहा हूँ. आप अपने अकॉर्डिंग आप एक नया एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे और उससे जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ उसको आप एज ए होमवर्क सेट करना है. सेकेंड एग्जाम्पल जो आप खुद से कंसिडर करेंगे और उसको भी आपको एज ए होमवर्क कंसिडर करना है. तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो Z1 जो था हमारे पास वो था 2 + 3 iota Z1 बार वो है आपके पास 2 - 3 iota Z2 बार जो है आपके पास 3 - 4 iota यहाँ से देखिए मेरे बच्चों अगर हम किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके अगर उसका कंजुगेट फाइंड करते हैं तो वो इक्वल होगा हमारे पास कि उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेट कंजुगेट फाइंड करने के बाद अगर हम उनको माइनस करें. तो आप यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट हमारे पास LHS हम फाइंड करने वाले हैं. LHS है आपका Z1 - Z2 बार हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे Z1 - Z2 तो 2 - 3 iota - 3 + 4 iota तो ये बन जाएगा 2 - 3 दिस इज -1 - 3 iota + 4 iota ये प्लस आयोटा. अब हम इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे Z1 - Z2 बार तो -1 - 1 - iota ये हमारे पास एज ए रिजल्ट है. सेकंड जो रिजल्ट है हमारे पास इसको हमें फाइंड करना है RHS. और RHS में आप देख सकते हैं आपके पास है Z1 बार - Z2 बार और Z1 बार हमने ऑलरेडी फाइंड किया वहाँ से. देखिए 2 - 3 iota - Z2 बार वो है 3 - 4 iota तो यहाँ से बन गया 2 - 3 iota - 3 + 4 iota तो 2 - 3 - 1 - 3 + 4 iota + iota आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके पास सेम है. रिजल्ट सेम नहीं है, रिजल्ट है हमारे पास डिफरेंट नहीं. देखिए Z1 - Z2 जो है आपके पास Z1 - Z2 है -1 + iota और उसका कंजुगेट फाइंड करेंगे तो प्लस आयोटा जो बन जाएगा माइनस. तो जो आयोटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आयोटा से तो ये बनेगा -1 + iota और -1 + iota तो आपका आंसर सेम है. तो अगेन आपकी फॉर्मूला बुक में आपने न्यू फॉर्मूला ऐड किया है और वो है फॉर्मूला नंबर 8. और 8 में क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप माइनस करके अगर उसका कंजुगेट फाइंड करते हैं तो वो जो आप सेपरेट दो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर सेपरेट कंजुगेट फाइंड करके अगर माइनस करें तो दोनों का जो आंसर होगा वो हमारे पास सेम होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टी नंबर 9. और प्रॉपर्टी नंबर जो 9 है आपके पास दिस इज अबाउट द मल्टीप्लाई या दिस इज अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड दिस इज अबाउट सपोज दैट वी मल्टीप्लाई Z1 Z2 एंड उसका कंजुगेट अगर फाइंड करें तो दिस सेपरेट इक्वल होगा Z1 बार और Z2 बार. तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 9. सपोज अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें Z1 = 2 + 3 iota Z2 अगेन वो सेम हमारे पास 3 + 4 iota We find the conjugate Z1 2 - 3 iota and Z2 bar this is 3 - 4 iota. Now we are going to find LHS and RHS. So first we find the LHS. LHS है फर्स्ट वी फाइंड हमें फाइंड करना है Z1 Z2 बार तो फर्स्ट वी फाइंड Z1 Z2 हमें मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा 2 + 3 iota 3 + 4 iota अगर मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे 2 3 + 4 iota + 3 iota 3 + 4 iota तो ये बन जाएगा मेरे पास 6 + 8 iota
9 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट अगर अपन देखें तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आप एज ए माइनस वन पुट करेंगे, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो जो जेड वन जेड टू है आपके पास, जेड वन जेड टू वो बन गया मेरे पास 6 प्लस 9 8 17 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे माइनस 12, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 6 प्लस 17 आयोटा। तो जेड वन जेड टू बार अगर हम फाइंड करते हैं यानी उसका कंजुगेट फाइंड करेंगे, ये बन जाए माइनस 6 माइनस 17 आयोटा। तो ये आपके पास फर्स्ट है जो हमने रिजल्ट कंसिडर किया है। सेम अगर हम रिजल्ट कंसिडर करते हैं सेकेंड पार्ट, दिस इज द आर एच एस पार्ट, और इन द आर एच एस वी आर गोइंग टू फाइंड जेड वन बार जेड टू बार। तो यहाँ से देखें तो जेड वन बार जो है वो है हमारे पास 2 माइनस 3 आयोटा, जेड टू बार है आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये बन जाएगा 2 3 माइनस 4 आयोटा, माइनस 3 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। तो रिजल्ट हम देख सकते हैं ये बन जाएगा 6 माइनस 8 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस 17 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, ये बन गया माइनस 12 माइनस 6 माइनस 17 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देख सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जो रिजल्ट है वो आपका सेम रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर उसका कंजुगेट फाइंड करते हैं या फिर उनका सेपरेट कंजुगेट फाइंड करने के बाद अगर उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में जो आंसर होगा हमारा वो आपका आंसर सेम होगा। द लास्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द डिवाइड। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 10 है, अगर हम किसी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड कर दें और उसका कंजुगेट फाइंड करते हैं तो आप देखेंगे कि वो सेपरेट उनकी कंजुगेट को अगर हम डिवाइड करें तो वो आपका आंसर सेम होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जेड वन जेड टू, अगर सपोज दैट फर्स्ट वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको हमने डिवाइड किया, देन वी फाइंड द कंजुगेट, इक्वल होगा अगर हम उनका सेपरेट कंजुगेट को अगर हम डिवाइड करें तो आपका आंसर सेम होगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 प्रॉपर्टीज़ आपको बाई टंग होनी चाहिए, आपके माइंड में आपको मेमोराइज होनी चाहिए। 10 प्रॉपर्टीज़ नहीं है, 10 न्यू आपके लिए फॉर्मूले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे तो जेड वन जो है आपके पास जैसे 2 प्लस 3 आयोटा और जेड टू है आपका 3 प्लस 4 आयोटा। तो फर्स्ट अगर कंजुगेट फाइंड करें तो बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, जेड टू बार जो है आपका 3 माइनस 4 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कंजुगेट हमने फाइंड किया, हम फाइंड करने जा रहे हैं LHS। तो LHS में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो नंबर को डिवाइड करेंगे। आपने देखा जेड वन जेड टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका बार हमें फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं। तो बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। और इसके अंदर आपको रूल पता है कि रूल क्या है कि इसे जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। तो ये जो पार्ट है आपके पास इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो जो न्यूमरेटर पार्ट में उसको मल्टीप्लाई करना है, नीचे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करता हूँ। तो फर्स्ट हम फाइंड करें जेड वन जेड टू, तो जो आया है आपके पास तो जेड वन अपॉन जेड टू अगर हम देखते हैं तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो बन जाएगा 2 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 6 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर आप देखते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अगर आप यहाँ से पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर जो माइनस 1 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे आप माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा आपके पास। तो ये बन जाएगा 6 माइनस माइनस 8 प्लस 9 आयोटा, दिस इज प्लस आयोटा, और ये प्लस 12 अपॉन, यहाँ पे भी आप पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 69 25 होगा आपके पास। तो 12 6 18 प्लस आयोटा अपॉन 25। तो आप देख सकते हैं कि जेड वन अपॉन जेड टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है वो है 18 अपॉन 25 प्लस आयोटा 1 अपॉन 25। और इसका कंजुगेट अगर हमें फाइंड करना है तो जेड वन अपॉन जेड टू इसका कंजुगेट हम फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे सर 18 अपॉन 25 माइनस आयोटा 1 अपॉन 25। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आता है। तो ये जो फर्स्ट रिजल्ट है या सेकंड हमें ये रिजल्ट फाइंड करना है, तो फर्स्ट जो रिजल्ट है इसको एज ए आंसर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रिजल्ट है हमारे पास
वो है आपके पास 18 अपॉन 25 माइनस आयोटा 1 अपॉन 25। तो ये हमने LHS फाइंड किया यहाँ से, अब हम RHS फाइंड करने जा रहे हैं। तो RHS देखिए, तो RHS है आपके पास कि वी डिवाइड द डायरेक्ट द कंजुगेट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम डिवाइड करते हैं डायरेक्ट, तो जेड वन जो है आपके पास इसे 2-3 आयोटा अपॉन 3-4 आयोटा। अब इस पार्ट को आपको सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं सर डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमें रिमूव करना है, और उसको रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसके कंजुगेट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके कंजुगेट हो जाएगा 3+4 आयोटा अपॉन 3+4 आयोटा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो जेड वन बार अपॉन जेड टू जो बार है आपके पास, जेड टू बार है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 2-3+4 आयोटा माइनस 3+4 आयोटा अपॉन a-b a+b, तो 3² - 4 आयोटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 6+8 आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन, ये आपके पास 9-16 आयोटा स्क्वायर। आप देख सकते हैं 6, 8 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे तो +12 अपॉन, और ये बन जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर की -1 + 16, 9 + 16, तो ये बन जाएगा आपके पास 18 माइनस आयोटा अपॉन 25। और यहाँ से अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा जेड वन बार जेड टू बार, सेपरेट करते हैं तो 18/25 माइनस आयोटा 1/25। तो आप देख सकते हैं कि आपका LHS और RHS जो पार्ट है वो आपके पास सेम है। तो ये आपके पास 10th प्रॉपर्टी है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के बाद अगर उनका कंजुगेट फाइंड करते हैं तो सेपरेट कंजुगेट फाइंड करके अगर हमको डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो आपका आंसर होगा वो सेम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आज हमने कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको बाय टंग होनी चाहिए, ये 10 प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं।